हे गाइस, इट्स योर बॉय कुंज हियर। और आज मैं इस वीडियो में ओला S1 और S1 प्रो के परचेज से लेकर डिलीवरी तक का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो हियर वी गो। तो सबसे पहले आपको ओला अपनी बुक करनी पड़ेगी 499 रुपीज़ में, जो कि ओला की ऐप के थ्रू ही होगा। बुकिंग कराने के बाद आपको नेक्स्ट पेमेंट विंडो के ओपन होने का वेट करना पड़ेगा, जो कि 1 महीने बाद भी खुल सकता है, 10 दिन बाद भी खुल सकता है, या फिर 3 महीने बाद भी खुल सकता है। क्योंकि जब पेमेंट विंडो खुलेगी आप तभी अपने स्कूटर के लिए पूरी पेमेंट कर पाएंगे। जैसे ही पेमेंट विंडो खुल जाएगी आपको SMS और ईमेल दोनों आ जाएगा। उसके बाद आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको स्कूटर EMI पे लेना है कि फुल कैश पे लेना है। EMI पे लोगे तो आपको एक मंथली इंस्टॉलमेंट बन जाएगी और आपको एटलीस्ट 20K डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहो तो फुल पेमेंट उसी टाइम कर सकते हो। जब आप फुल पेमेंट करेंगे या फिर उसे EMI पे लेंगे, उससे जस्ट पहले आपसे रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन मांगेगा ओला की ऐप, और आपसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोलेगा। जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो आपका स्टेटस बढ़ के चला जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे। इसमें आपको 2 से 3 दिन लग सकता है, किसी किसी को हफ्ता भर भी लग जाता है इसमें। बट एक बार आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएंगे तो आपको उसका मेल आ जाएगा और आपकी ओला ऐप पे वो शो भी कर देगा। पेमेंट के हो जाने के बाद और डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाने के बाद ओला आपके स्कूटर को अपने फ्यूचर फैक्ट्री से डिस्पैच कर देगा और आपको आपका स्टेटस दिखा देगा आपकी ओला की ऐप पे। जब ओला आपका स्कूटर फ्यूचर फैक्ट्री से डिस्पैच कर देगा, उसके बाद 7 से 10 बिजनेस डे लग सकता है उसको आपके स्टेट में पहुंचने के लिए, जिसे लोकल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी बोलते हैं। जब आपका स्कूटर ओला के लोकल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में पहुँच जाएगा, तब ओला का एक रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करेगा और आपसे एक वाहन OTP मांगेगा और एक आधार OTP मांगेगा, जो कि दोनों आपको देने पड़ेंगे। वाहन OTP के देने के 1 से 2 दिन बाद आपके पास ऑनलाइन RC आ जाएगी, और ऑनलाइन RC आने के 2 से 3 दिन के बाद ओला आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही पा रहे हैं, मेरे पास भी 2 से 3 दिन बाद ओला इलेक्ट्रिक मेरे घर के बाहर डिलीवर हो गई थी। डिलीवरी लेते टाइम अच्छे से अपने स्कूटर को चेक कर लेना, कोई उसमें स्क्रैच वगैरह ना हो, कोई मतलब कहीं टूटा ना हो, कहीं कुछ ऐसे डिफेक्ट ना हो उसमें। वैसे अगर हो भी तो बाद में आपका ओला चैंपियन आके उसको ठीक कर देगा या फिर ओला उसको रिप्लेस कर देगा उस पार्ट को। लेकिन स्टिल अपनी तरफ से अच्छा रहता कि पहले ही देख लो, पहले ही उसकी वीडियो बना लो कि उसमें कहीं भी स्क्रैच ना हो, कहीं भी बम्प ना हो, कहीं भी पेंट चिप ना हुआ हो या फिर स्क्रू कोई निकला ना हो वगैरह वगैरह। आप डिलीवरी के टाइम सारी एक्सेसरीज़ भी चेक कर लेना, जैसे कि आप उसका चार्जर चेक कर लेना, उसके साइड व्यू मिरर्स चेक कर लेना, फिर उसका हेलमेट भी चेक कर लेना कि सब कुछ पॉइंट पे है या नहीं। सब कुछ चेक करने के बाद एक डिलीवरी का एक पेपर होता है, उस पर आप साइन करोगे और अपनी स्कूटर का डिलीवरी ले लोगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।